चैनल रेसिपी सब नमस्कार दोस्तों। यदि आपके पास कुछ बासी रोटियां बच गई हैं और आपका मन से दोबारा खाने का नहीं कर रहा है तो आप इससे एक बहुत ही स्वादिष्ट रेसिपी बना सकते हैं। ये बहुत ही जल्दी तैयार भी हो जाता है और बहुत हेल्दी भी है। ये इतना स्वादिष्ट होता है कि आपके फैमिली के हर मेंबर को जरूर पसंद आएगा। तो चलिए बनाते हैं इसे। जैसे मेरे पास अभी रात की बची हुई 3 रोटियां हैं और मैं इसका इस्तेमाल करूंगी बेहद स्वादिष्ट रेसिपी बनाने के लिए। और रेसिपी बनाने के लिए सबसे पहले इन चपातियों को हमें बारीक स्ट्राइप्स में काटनी पड़ेगी। तो सबसे पहले रोटी को इस तरह से हम फोल्ड कर लेंगे और किचन सीजर्स है आपके पास तो इस तरह से आप बारीक बारीक रोटियों को काट लें, या फिर आप चाकू की सहायता से भी इस तरह से बारीक काट सकते हैं। इसे आप बहुत पतला या बहुत मोटा ना काटें, नहीं तो पतला रहेगा तो टूट जाएगा, पूरा मिक्स हो जाएगा, और मोटा रहेगा तो खाने में ज्यादा स्वादिष्ट नहीं लगता है। इसलिए इसे मैंने 1/4 इंच के बराबर रखा है, ना बहुत पतला है ना बहुत मोटा। और इस तरह से मैंने सभी रोटियों को पतले स्ट्रिप्स में काट लिया है जो इस तरह से बिल्कुल लच्छेदार बन गई है। अब इसे पकाने के लिए मैंने एक पैन लिया है, पैन थोड़ा बड़ा रहना चाहिए, और इसको अच्छी तरह से गर्म कर लें। और इसमें मैंने डाला है 2 बड़े चम्मच तेल, और जब तेल गर्म हो जाए तो मैंने 1 मीडियम साइज का प्याज इस तरह से लंबा लंबा काटा है लच्छे में, और इसको हम फ्राई करेंगे। इसको ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, बस थोड़ा फ्राई करेंगे करीब आधा मिनट के लिए ताकि ये थोड़ा ट्रांसपेरेंट हो जाए। और इसे हम तेज आंच पर ही फ्राई करेंगे, गैस को धीमा नहीं करना है। थोड़ी देर बाद प्याज पकने के बाद इस तरह से दिखने लगेगा, ये थोड़ा ट्रांसपेरेंट दिख रहा है और ये कलर भी नहीं चेंज हुआ है। अब हम इसमें डालेंगे 1 छोटा कैप्सिकम बारीक पतला कटा हुआ, और इसका बीज निकाल लेंगे, और थोड़ा सा गाजर पतला बारीक लंबा इस तरह से कटा हुआ डालें, थोड़ी हरी मिर्ची, मैंने 2 हरी मिर्ची बारीक लंबा कट के डाला है, और 1 टमाटर को बारीक लंबा काट के डाला है, और इसके बीज निकाल दिए हैं। इसमें से आपके घर में जो भी सब्जी अवेलेबल है आप उसे ही डालें। अब इसे हम तेज आंच पर आधा मिनट के लिए फ्राई करेंगे। इसे ज़्यादा ना पकाएं, बस थोड़ी देर पकाएं। सब्जी को थोड़ा च्यूएबल रखेंगे तो ज़्यादा टेस्टी लगेगा। और ये देखिए थोड़ा सा पका हुआ सब्जी, यानी थोड़ा ये भी ट्रांसपेरेंट हो गया है। अब इसमें डालेंगे नमक, नमक स्वाद के अनुसार डालें। यहाँ पर मैंने 1/4 छोटा चम्मच काली मिर्च का इस्तेमाल किया है, आप जैसा तीखा खाना पसंद करें वैसा डालें आप। और 1 छोटा चम्मच मैंने पाव भाजी मसाला डाला है जिससे इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा, और 2 बड़े चम्मच टोमेटो केचप डाला है मैंने, और इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और मिक्स करने के बाद कटी हुई रोटियों को भी इसी में डालें और साथ में मिलाएं। और ये सारी रेसिपी हम तेज आंच पर ही बनाएंगे। अभी ये देखिए 1 चम्मच से मैं इसको अच्छी तरह से उलट पलट नहीं कर पा रही हूँ, तो मैं यहाँ पर 2 चम्मच का इस्तेमाल करूँगी ताकि इसे आसानी से मैं उलट पलट कर सकूँ और चारों तरफ से अच्छी तरह से ये रोटियाँ हैं जो फ्राई हो जाएंगी और टूटेंगी भी नहीं। और इसको हम करीब आधा मिनट से थोड़ा अधिक समय के लिए इसको हम कुक करेंगे ताकि जो रोटियां हैं ताजी हो जाए, पूरी अच्छी तरह से पक जाए, क्योंकि ये रोटियां बासी हैं तो इनको अच्छी तरह से पकाना बहुत जरूरी होता है। जब भी हम बासी खाना पकाएं या गर्म करते हैं तो उसको अच्छी तरह से गर्म करें या और पका लें, इसके जो भी बैक्टीरिया होते हैं खत्म हो जाते हैं और ये बिल्कुल फ्रेश हो जाता है, खाने के लिए बिल्कुल सेफ रहता है ये। और ये देखिए मैंने बिल्कुल अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है, और देखने में भी बहुत ही सुंदर लग रहा है, बिल्कुल कलरफुल है। और ये देखिए बिल्कुल तैयार हो गया हमारा चपाती मसाला नूडल्स, और इसे आप गर्मा गर्म सर्व करें, खाने में बहुत ही टेस्टी है। दोस्तों आप भी इसे अपने घर पे जरूर से ट्राई करें और बताएं ये आपको कैसी लगी। और यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, और यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू, बाय बाय।
दोस्तों जब भी आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तो बेल आइकन को दबाना ना भूलें, इससे मैं जब भी नई रेसिपी का वीडियो अपलोड करूंगी तो इसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा और आप मेरे वीडियो को सबसे पहले देख सकेंगे। इसके साथ ही आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर या पिंटरेस्ट भी फॉलो कर सकते हैं।